यूक्रेन से जारी जंग के बीच अपनी मंशा को भी जग जाहिर कर दिया है। रूस की सेना के जनरल ने साफ कहा है कि उनका मकसद दक्षिणी यूक्रेन पर कब्जा करने का है। रूसी सेना के जनरल के इस बयान ने पूर्व के उन सभी बयानों को झूठा साबित कर दिया जिसमें कहा गया था कि रूस यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा नहीं करना चाहता है। रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन को भारी क्षति पहुंची है। अच्छा खासा तरक्की करता हुआ देश बमबारी और मिसाइल हमलों से तहस नहस हो गया है। बड़ी ऊंची इमारतें बम धमाकों से ध्वस्त हो चुकी है और ऐसे में जर्मनी यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया है। यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए अतिरिक्त 37 मिलियन यूरो आवंटित करेगा। श्रीलंका का वित्तीय संकट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। श्रीलंका सरकार के आंकड़े बताते हैं कि इस वर्ष मार्च में वहां पर मुद्रा स्फीति की दर बढ़कर 21.5% तक हो गई है। इस बीच वित्त मंत्री अली साबरी ने आईएमएफ के अधिकारियों से देश के लिए राहत पैकेज पर मुलाकात की है। अफगानिस्तान की धरती एक बार फिर बम धमाके से दहली हुई है। बीते 24 घंटे के भीतर हुई दो बड़ी घटनाओं से लोग डरे हुए हैं। शुक्रवार को उत्तरी कुंदुज प्रांत के इमाम साहिब जिले में मावलदी सिकंदर मस्जिद में एक बड़ा बम धमाका हुआ। इस खतरनाक बम धमाके में 30 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के सलाहकार और अमेरिकी विदेश विभाग के काउंसलर डेरेक चोलेट ने कहा है कि यूक्रेन से युद्ध के बाद भारत का सबसे विश्वसनीय साझेदार रूस नहीं बल्कि अमेरिका ही होगा। अमेरिका भारत की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने को भी तैयार है। संविधान में संशोधन और सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली को समाप्त करना ही कर्ज में डूबे श्रीलंका के संकट का समाधान नहीं हो सकता। पूर्व थल सेना अध्यक्ष शरद फोंसेका ने यह कहते हुए देश की राजनीतिक संस्कृति में बदलाव की जरूरत को रेखांकित किया है। श्रीलंका की मुख्य विपक्षी पार्टी एसजेपी ने एक संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। आर्थिक रूप से खस्ताहाल पाकिस्तान में ईंधन की कमी और कुछ पावर प्लांटों के बंद होने से बिजली संकट की स्थिति पैदा हो गई है। पाकिस्तान के कराची, हैदराबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद और सियालकोट जैसे शहरों में 4 से 10 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 10 से 12 घंटे बिजली की कटौती हो रही है। पाकिस्तान में आए दिन आतंकी हमलों की खबर सामने आ रही है। देश में आतंकवाद की जड़ें इस कदर बढ़ गई हैं कि वो अब देश के सैनिकों को निशाना बना रही हैं। बलूचिस्तान प्रांत में बड़ी दुर्घटना घटी जिसमें एक पाकिस्तानी सैनिक की मौत हो गई है। जंगल पर्यावरण के संरक्षक हैं, इनकी रक्षा किए बिना दुनिया को नहीं बचाया जा सकता। वर्तमान में ग्रीन हाउस गैसों और कार्बन का उत्सर्जन जिस तेजी से किया जा रहा है उससे आने वाले समय में संकट और विकराल हो जाएगा। वैज्ञानिकों ने अध्ययन के आधार पर बताया कि जलवायु लाभ के लिए ट्रॉपिकल जंगलों का संरक्षण जरूरी है। यूक्रेन में जल्द युद्ध खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। यूक्रेन की हफ्तों पुरानी मांग को स्वीकार करते हुए अमेरिका ने वहां पर भारी हथियारों की आपूर्ति शुरू कर दी है। बुधवार को 155 कैलिबर वाली 18 तोपों की पहली खेप यूक्रेन के पड़ोसी नाटो के सदस्य देश में पहुंच गई। अमेरिका ने अमेरिकी कांग्रेस सांसद इलहान उमर के पाकिस्तान दौरे को अमेरिकी सरकार का प्रायोजित मानने से इनकार कर दिया है। अपनी संकीर्ण राजनीति से प्रेरित होकर उमर पाकिस्तान से ही गुलाम कश्मीर यानी कि पीओके भी गई थी। इसकी भारत ने कड़ी आलोचना की है। यहूदियों और मुसलमानों दोनों के लिए ही संवेदनशील यरूशलम के एक धर्मस्थल के बाहरी गेट पर तैनात इजरायली पुलिसकर्मियों पर फलस्तीनी युवाओं ने शुक्रवार को फिर पत्थरबाजी की। इसके जवाब में दंगारोधी इजरायली पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। यूक्रेन में मारियुपोल शहर पर विजय हासिल करने के बाद रूसी सैनिक अब शहर में खंडहरों के बीच एकत्रित हो रहे हैं। ये सैनिक अब पूर्वी यूक्रेन के बाकी बचे इलाकों पर कब्जे की रणनीति बनाने की तैयारी में हैं। रूसी सेना के निशाने पर अब डोनेस्क का इलाका और यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस युद्ध पर अमेरिका अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। क्रेटे के क्रीक द्वीप पर नाटो निगरानी विमान उड़ान भरने और ये देखने के लिए तैयार है कि रूस भूमध्य सागर में क्या कर रहा है जहां मॉस्को और अमेरिका ने यूक्रेन में युद्ध के बीच सुरक्षा बलों को बढ़ाया है।
इजरायली पुलिसकर्मी फिलिस्तीनी युवकों द्वारा पथराव के बाद यरूशलम स्थित संवेदनशील धर्म स्थल अल अक्सा में प्रवेश कर गए। प्रवेश द्वार पर तैनात इजरायली पुलिसकर्मियों पर पथराव किया गया। इस स्थल पर इजरायल द्वारा यहूदियों के आगमन पर अस्थायी रोक लगाने के बाद फिर से हिंसा हुई है। अमेरिका में 53 कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से सार्वजनिक सेवा क्षेत्र में नेतृत्व करने के इच्छुक जिन 58 लोगों को ट्रूमैन स्कॉलर्स 2022 के तौर पर चुना गया है, उसमें 4 भारतीय भी शामिल हैं। भारतवंशी स्कॉलरों में अमिश्वा के कम्बाथ, इशिका कौल, अभि गुप्ता और भाग जैन शामिल हैं। काला सागर में करीब एक सप्ताह पहले डूबे रूसी युद्ध पोत मोस्कवा को लेकर रूस ने अब मान लिया है कि ये पोत यूक्रेन के मिसाइल हमले से तबाह होकर डूबा था। रूसी रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि नष्ट हुए युद्ध पोत में उसके एक सैनिक की मौत हो गई थी और 27 अन्य लापता हो गए। चीन के शंघाई में पिछले एक दिन में कोविड-19 से 11 और मरीजों की मौत के बाद बढ़ते जन आक्रोश की खबरों के बीच शहर में लॉकडाउन 26 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। 2.6 करोड़ की आबादी वाले शंघाई में कोरोना की मौजूदा लहर के दौरान मृतक की संख्या बढ़कर 36 हो गई है। आईएस से संबंधित गुट ने अफगानिस्तान में शिया अल्पसंख्यक मुसलमानों को निशाना बनाकर किए गए बम धमाकों की शुक्रवार को जिम्मेदारी ली, तो वहीं पाकिस्तान ने अपने पूर्वी पंजाब प्रांत में आईएस के खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। घरेलू जरूरतें पूरा करने और बढ़ी कीमतों को रोकने के लिए इंडोनेशिया ने 28 अप्रैल से पाम ऑयल के निर्यात पर रोक लगा दी है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने शुक्रवार को पाम ऑयल के निर्यात पर रोक की घोषणा की। भारत के पाम ऑयल के आयात का करीब 60% इंडोनेशिया से आता है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के करीब 2 महीने बीत चुके हैं। ब्रिटिश पीएम जॉनसन के दौरे के बाद अब संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस अगले सप्ताह मॉस्को का दौरा करेंगे। इस दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उनका स्वागत करेंगे। की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी बोइंग अपने 2 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमानों को भारतीय नौसेना द्वारा खरीदे जाने से पहले इन गर्मियों में गोवा में उसके संचालनात्मक प्रदर्शन की योजना बना रही है। कंपनी के एक वरिष्ठ कार्यकारी ने यह जानकारी साझा की है। चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए एक दुर्लभ तीसरे कार्यकाल के लिए तैयारी पूरी कर ली है। उन्हें सर्वसम्मति से अगले कुछ महीनों में होने वाली पार्टी कांग्रेस के लिए एक प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। उम्मीद की जा रही है कि यहां जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल के अनुमोदन पर मुहर लग जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ब्रिटेन से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यहाँ एक मरीज कुल 505 दिन कोरोना से पीड़ित रहा और फिर उसकी मौत हो गई। लंबे समय तक वायरस की चपेट में रहने के कारण उसका इम्यून सिस्टम बेहद कमजोर हो गया था। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा और लाउडस्पीकर विवाद पर राजनीति और भी गर्माती जा रही है। पटनेरा से निर्दलीय विधायक रवि राणा और उनकी पत्नी सांसद रमनीत राणा ने आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गयी है। डिंडोरी में शुक्रवार शाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है। पिछले 43 दिनों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता और सहायिका अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठी थी। कार्यकर्ताओं ने वेतन वृद्धि और नियमितीकरण की मांग उठाई है। गढ़ी मलहरा में स्वच्छता को लेकर नगरपालिका ने बैठक आयोजित की, जिसमें मुख्य नगरपालिका अधिकारी शिवी उपाध्याय ने स्वच्छता को लेकर महिलाओं को जागरूक किया और नगर में स्वच्छता फीडबैक में अपना योगदान देने की अपील की है। बैठक में महिला संगठन सहित स्व सहायता समूह की महिलाएं मौजूद रही। कांग्रेस पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव गंज बासोदा पहुंचे। इस दौरान पूर्व अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर कार्यकर्ताओं से 2023 के चुनाव में एकजुट होने की अपील की है और अहिर रेजिमेंट की तारीफ करते हुए कहा है कि अहिर समाज शुरू से ही देश की सेवा और सुरक्षा में लगा हुआ है। अरुण यादव निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुँचे थे।
जबेरा के ग्राम चोपड़ा 24 में जनसमाज ने जिनबिंब ध्वंस कल्याणक विश्व शांति यज्ञ और गजरथ महोत्सव का आयोजन किया। यह कार्यक्रम 21 से 26 अप्रैल तक आयोजित होगा। कार्यक्रम मुनि प्रबुद्ध सागर महाराज के सानिध्य में संपन्न होगा। मझगवा में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सतना जिला पंचायत अध्यक्ष सुधा सिंह ने किया। हजारों मरीजों ने मेले का लाभ लिया। इन मरीजों में एक 9 माह का मासूम सतेंद्र खैरवार, जो क्लबफुट की समस्या से ग्रसित है, स्वास्थ्य मेले में परीक्षण कराने पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने मासूम की जांच कर पक्का प्लास्टर किया और 1 महीने के इलाज के बाद ठीक होने की उम्मीद बताई है। पांडोरना के ग्राम सिरनी में एक दंपति ने अपने खेत में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की खबर लगते ही सैकड़ों ग्रामीण घटनास्थल पहुंचे और पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। महामंडलेश्वर ईश्वरानंद उत्तम स्वामी नर्मदा तट आमली घाट पहुंचे, जहां उन्होंने मां नर्मदा का दूध से अभिषेक कर माता को चुन्नी चढ़ाई और विधि विधान से पूजा अर्चना कर भारतवासियों की सुख समृद्धि की कामना की है। ईश्वरानंद स्वामी 182 परिक्रमा वासियों के साथ 14 नवंबर 2021 को पैदल नर्मदा परिक्रमा पर निकले थे। विदिशा से खबर है, जहां ग्राम उदयपुर में रहने वाले एक शख्स ने अपनी मां के साथ एसपी कार्यालय पहुंचकर आवेदन दिया। पीड़ित युवक ने बताया कि मनोज ने उसके साथ बेवजह मारपीट की है, जिसकी शिकायत थाने में की गई थी। शिकायत वापस लेने के लिए फिर मारपीट की। पीड़ित ने अब एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। भिंड में 21 अप्रैल को भारोली रोड पर हुए गोलीकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एडिशनल एसपी कमलेश कुमार ने बताया कि घटना के पुरा निवासी कमला देवी पर गोली उसके ही बेटे ने अपने दोस्तों से चलवाई थी। कमला के बेटे राघवेंद्र सिंह पर ससुराल पक्ष ने दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करा है, जिसका बदला लेने के लिए राघवेंद्र सिंह। भोपाल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3 नए संक्रमित सामने आए हैं। 22 दिन बाद 3 नए मरीज मिलने के बाद शासन प्रशासन अलर्ट है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि अभी विकराल और चिंता की स्थिति नहीं है, बढ़ते मामलों को लेकर अलर्ट रहने की जरूरत है। सतना के मझगवा में भी अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला है। यहां के गार्डन मोहल्ले में रहवासियों ने रोड किनारे तक अवैध अतिक्रमण कर लिया था, जिसके चलते नाली निर्माण रुका हुआ था और घरों से निकलने वाला पानी रोड पर भरा रहता था। शिकायत मिलने के बाद तहसीलदार मौके पर पहुंचे और अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। मंडला जिले के नैनपुर थाना क्षेत्र के मलथा गांव में मोहगांव प्रोजेक्ट के एक बीट गार्ड ने शराब के नशे में डिप्टी रेंजर और वाहन चालकों से अभद्रता की। इतना ही नहीं, सरकारी दस्तावेज भी फाड़ दिए। पीड़ितों ने बताया कि प्रोजेक्ट के 2 ट्रक लकड़ियों से भरे डिपो लाए जा रहे थे, तभी मलथा के पास बीट गार्ड परिवार ने शराब के नशे में अभद्रता की। जांजगीर चांपा जिले में युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना मालखरौदा थाना क्षेत्र के ग्राम परसा की है, जहां एक मौसेरे भाई ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर बड़ी बेरहमी से अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या में शामिल छोटे भाई और उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। बलौदा बाजार में जनपद पंचायत का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें सुमित्रा परमेश्वर वर्मा नई जनपद अध्यक्ष चुनी गई। पीठासीन अधिकारी ने समयावधि समाप्त होने का हवाला देकर 9 जनपद सदस्यों को चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं लेने दिया। इसके बाद जनपद सदस्यों ने पीठासीन अधिकारी के विरोध में नारेबाजी की। जनपद अध्यक्ष संगीता मनोहर साहू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के बाद अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ। SECL चिरमिरी क्षेत्र के पर्सनल ऑफिसर पर संबंध बनाने को लेकर मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी ने अनुकंपा नियुक्ति के एवज में महिला से संबंध बनाने का दबाव डाला। पीड़िता का कहना है कि पति की मौत के बाद बेटी की अनुकंपा नियुक्ति के लिए लगातार चक्कर लगा रही थी, लेकिन SECL अधिकारियों ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया और इसकी शिकायत प्रबंधन को भी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बड़वानी में चलित थाना का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के पुलिस कप्तान प्रफुल्ल ठाकुर, SDOP राकेश कुर्रे, सरपंच और थाना प्रभारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में कानून व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों को जागरूक किया गया। अपनी निजी जानकारी किसी को ना देने और संदिग्ध या नए व्यक्ति की जानकारी तत्काल पुलिस को देने की अपील की गयी। रायगढ़ में आंगनबाड़ी कर्मचारियों के विरोध में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने कर्मचारियों के अनुपस्थित रहने, आंगनबाड़ी केंद्र में अपने कर्तव्यों का निर्वाह न करने की शिकायत की है। ग्राम सरपंच ने कर्मचारियों को उनके पद से मुक्त कर नूतन कर्मचारियों की नियुक्ति करने की बात कही है।
संत जेवियर्स स्कूल डोरंडा के 62 साल पूरे होने पर सृजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित डायमंड जुबली ब्लॉक का उद्घाटन भी किया और बच्चों की प्रस्तुति की सराहना की। साथ ही इंजेवर नामक पुस्तिका का विमोचन भी किया है। उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब और लोकपाल तीर्थ में बर्फबारी जारी है। लोकपाल लक्ष्मण मंदिर और हेमकुंड साहिब में 8 से 10 फीट बर्फ मौजूद रही, तो वहीं अमृत सरोवर, दंडी, पुष्करणी, झील आज सहित कई तीर्थ स्थान भी बर्फ से ढके हुए हैं। हालांकि लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट 22 मई को खुलने हैं, लेकिन यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाने में सेना के जवान बर्फ हटाने में जुटे। उत्तराखंड खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता विभाग मंत्री रेखा आर्य हरिद्वार पहुंची, जहां रेखा आर्य ने लाभार्थियों को फोर्टिफाइड चावल वितरित किए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हम गरीब तबके को राशन के साथ फोर्टिफाइड चावल वितरित कर रहे हैं, ताकि उनके भोजन में पोषक तत्व पहुंच सके और वो स्वस्थ रह सके। करण महारा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद करण महारा रानीखेत पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। गांधी चौक में प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। रामपुर मथुरा में कच्ची ईंट से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है, जिसकी जानकारी विधायक ज्ञान तिवारी को दी गई। इसके बाद विधायक ने स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लिया। विधायक ने सख्त कदम उठाते हुए अधिकारियों को ठेकेदार के खिलाफ कठोर कार्रवाई के और उसकी फर्म ब्लैक लिस्ट कर टेंडर रद्द करने के निर्देश दिए हैं। रायबरेली पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से सभी मॉडल शॉप और शराब की दुकानों के बाहर चेकिंग की और दुकानों के आसपास शराब पी रहे कई लोगों को पकड़ा है, तो वहीं लावारिस खड़ी दोपहिया और चार पहिया वाहनों का चालान काटा। रामपुर में एक प्रेमी जोड़े ने पुलिस की मौजूदगी में 7 फेरे लिए। युवक युवती का 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन युवक ने विवाह करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद युवती ने एसपी से गुहार लगाई और युवक को कानूनी कार्रवाई का डर दिखाकर कोतवाली के मंदिर में शादी की। और रायबरेली एम्स में लगातार नई सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। मरीज अब इलाज के लिए मेट्रो शहरों की जगह रायबरेली में ही इलाज करा रहे हैं। हाल ही में यहां पर कार्डियोलॉजी की ओपीडी की शुरुआत की गई। इस प्रकार से अब तक 17 ओपीडी संचालित हो रही हैं। अस्पताल में 30 ओपीडी संचालित करने की योजना है।